नमस्कार दोस्तों, मेरा यह वीडियो उत्तराखंड के तीन मेन इश्यूज पलायन, बेरोजगारी और पतन होता हुआ उत्तराखंड का ट्रेडिशन और कल्चर से संबंधित मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे सवालों के आधार पर है। जैसा कि मैं गांव में रहते हुए अपने गांव का जो पुराना घर है उसको रिनोवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने गांव के ही पास लोकल मार्केट चुना पर कुछ छोटे छोटे कामों के लिए संपर्क कर रहा था। जब मेरे काम में काफी डिले हुआ तो फिर मैंने जो भी शॉप के ओनर हैं उनसे डिले का कारण जानना चाहा और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन पता चला कि कर्मचारी ईद की छुट्टी में है, इसीलिए 1 वीक तक मेरा काम को होल्ड में रखना होगा। मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि आसपास के गाँव में इतनी ज्यादा बेरोजगारी के होते हुए क्यों लोग बाहर से कर्मचारियों को लाके ऐसे रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं अपने कार्य को जल्दी से जल्दी कराना चाहता था इसीलिए मैंने फिर जो नेक्स्ट लोकल मार्केट है वहाँ पर किसी परिचित जन को संपर्क किया और अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द मेरे काम को कम्प्लीट करने में मदद कर दें। लेकिन अफसोस कि वहाँ से भी मुझे यही पता चला कि वहाँ पर भी कर्मचारी ईद की छुट्टी में है, इसीलिए वहाँ पर भी मेरा काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर आप पिथौरागढ़ के हर छोटे बड़े शॉप में जाएं तो ऑलमोस्ट 70-80% शॉप्स में आपको बाहर के लोग ही लेबर्स के तौर पे मिलते हैं। मैंने जितनों से भी ये सवाल किया कि क्यों पहाड़ के बेरोजगार लोगों को रखने के बजाय बाहर से लोगों को लाके काम दिया जा रहा है, तो मैक्सिमम लोगों का एक ही रिप्लाई होता है कि पहाड़ के लोग छोटे छोटे काम करना ही नहीं चाहते या फिर पहाड़ के लोगों में वो कला और वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैं पर्सनली उनके जवाब से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहाड़ की जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है और पहाड़ के हर कठिन से कठिन काम को भी गाँव के लोग ही अंजाम देते हैं। और अगर हम पास्ट में जाएं, पहाड़ के जो मकान बने होते हैं उन मकान की मजबूती और सुंदरता का कोई तोड़ नहीं है, और ये पहाड़ के सारे मकान पहाड़ियों ने ही बनाए हैं, कोई बाहर से कारीगर आके बना के नहीं गया है। तो जो भी यहाँ के छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको समझने की जरूरत है। अगर पहाड़ के लोगों में हमेशा से इतनी कला रही है और जब पहाड़ के लोग इतने हार्ड वर्किंग और इतने मेहनती हमेशा से रहे हैं, तो शायद अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत एडिशनल प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो लोग बाहर से कर्मचारियों को लाके रख रहे हैं। पहाड़ों के छोटे बड़े बिजनेसमैन की यही सोच जिम्मेदार है पहाड़ में बेरोजगारी के लिए, पहाड़ों से पलायन के लिए और पहाड़ों के जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसके पतन के लिए। और ऐसे ही लोग किसी भी ग्रुप में या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे पलायन, बेरोजगारी और पहाड़ों के पतन होते हुए कल्चर पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। सिमिलरली जो भी पहाड़ी फौजी हो या कोई भी व्यक्ति जो बाहर जाके काम करता है, वही व्यक्ति जब गांव में आता है और अपने लिए घर बनाता है या फिर अपने घर में किसी भी प्रकार से सुधार कार्य करता है, तो सभी के सभी लोग पहाड़ियों को काम देने के बजाय बाहर के लेबर्स की तलाश करते हैं। और उन सभी का भी यही रीजन होता है कि ये जो बाहर के कर्मचारी हैं, इनके हाथ में कला है और इनमें प्रोफेशनलिज्म है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पहाड़ी फौजी भाई व अन्य वर्कर ग्रुप इस बात को नहीं समझते कि वे खुद भी पहाड़ी हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में बेस्ट डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं। तो जरा सोचिए कि जब हम खुद प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन का बेस्ट एग्जांपल सेट कर सकते हैं, तो हमारे गांव में जो युवा वर्ग बेरोजगार रह जाते हैं, क्या कारण है कि वो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं करेंगे अगर उनको गाँव में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए। पहाड़ के छोटे बड़े बिजनेसमैन और कर्मचारी वर्ग एक और फैक्ट को नहीं समझते कि पहाड़ के हर कार्य को पहाड़ियों ने ही हमेशा से अंजाम दिया था। यह अभी की गलत सोच है जो कि लोग बिजनेस में अपना थोड़ा बहुत एडिशनल बेनिफिट चाहते हैं, और यही लालच बेरोजगारी, पलायन और कल्चरल डिग्रेडेशन को बढ़ावा दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में देखें तो रोजाना अनगिनत ऐसे पोस्ट सर्कुलेट किए जाते हैं जो पहाड़ की बेरोजगारी, पलायन और कल्चरल डिग्रेडेशन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इतने सारे पोस्ट शेयर करते वक्त हम में से कोई भी यह नहीं सोचता कि हमारी सोच ही इन तीनों मेजर इश्यूज का मेन कारण है। इन तीनों मेजर इश्यूज में सुधार लाने के लिए हमें अपनी सोच और अपनी करनी में परिवर्तन लाना होगा। सभी लोगों को समझना होगा कि सिर्फ सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इसीलिए अगर आप पहाड़ों में कुछ भी व्यवसाय शुरू करते हैं या फिर अपना कोई भी सुधार कार्य शुरू करते हैं, तो ऐसे कार्यों में
बाहर के लेबर्स को बुलावा देने के बजाय अपने गांव और आसपास के जो बेरोजगार युवक हैं, इन लोगों को काम देकर पलायन को रोकने में, बेरोजगारी को रोकने में और पहाड़ का जो कल्चर है उसको खत्म होने से बचाने में अपना सहयोग दें। हम सभी लोगों को यह समझना होगा, जिस प्रकार से लास्ट 50 ईयर्स में हम लोगों ने बाहर के लोगों को बुलाकर काम देना शुरू किया है, उसी के कारण से पलायन और बेरोजगारी गाँव में बहुत ज्यादा फैल चुकी है और हमारा जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वह भी पतन की ओर जा रहा है। अगर समय रहते हम लोगों ने इस पर अगर कोई स्टेप नहीं लिया, कुछ ही सालों में पहाड़ी कल्चर पूरी तरह से लुप्त हो चुका होगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपनी सोच को बदलते हुए पहाड़ों का पलायन, बेरोजगार और कल्चरल डिग्रेडेशन को रोकने में अपना भी सहयोग दें और अपने सभी जनों को इस पर सचेत करें। थैंक यू।